हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अनवर्दी थॉर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निडाविलर पहुंचने के बाद वॉलस्टैग और वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स पर मिस्फेलाइम के मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, और इसी वजह से वॉलस्टैग के हाथों में कई सारे छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन यही चीज वॉलस्टैग को नए म्योनर को उठाने के लिए वर्दी बना देती है, और वहां पहुंचने के बाद वो अल्टीमेट यूनिवर्स के म्योनर को उठाकर वॉरथॉर बन जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से निडाविलर जाकर वहां मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, और रो सोलोमोन से ये कहता है कि अब वो मुस्फेलाइम की क्वीन को मारने के लिए उनके रेल्म जा रहा था। लेकिन वो इस चीज से बिल्कुल अनजान था कि उसी के पीछे चेन फॉस्टर भी अपने म्योनर को लेकर मुस्फेलाइम पहुंच रही थी। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत मुस्फेलहाइम से होती है, जो पूरी तरह से आग से ढका हुआ था, और वहां पर पानी की जगह सिर्फ लावा बहता था। और इस वक्त मुस्फेलहाइम की क्वीन अपने बच्चों को ट्रेन कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर खड़ा हुआ मैलकीथ उससे कहता है कि उसने निडाविलर में एक बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन अभी उनका वॉर सिर्फ शुरू हुआ था और यही चीज उन्हें हरेक रेल में करनी थी। लेकिन ये सुनकर मुस्फेलहाइम की क्वीन उससे कहती है कि निडाविलर में उसके कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी, और वो इस चीज का कारण जानना चाहती थी कि ये सब कुछ करने वाला दरअसल में कौन था। लेकिन मैलकीथ उससे कहता है कि अभी उसे इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका प्लान अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंच चुका था, और मैलकीथ की बाकी की आर्मी, जिसमें योटनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट्स, कई सारे ट्रॉल्स और उसी के डार्क एल्व्स बाकी के रियल्म्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और इस पूरे प्लान में मुस्फेलहाइम की क्वीन और उसकी आर्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। लेकिन वो क्वीन उससे कहती है कि मैलकीथ को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैदा होने के बाद से ही उसका सिर्फ एक ही सपना था, और वो था सारे के सारे गॉड्स को राख में बदल देना। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां पर उन्हें बिजली के गरजने की आवाज आती है, और लोकी उस क्वीन से कहता है कि उसके रेल में एक विजिटर आया था। लेकिन इससे पहले कि लोकी ज्यादा कुछ बोल पाता, उस थंडर की वजह से वहां पर बारिश होने लगती है। मुस्फेलहाइम दरअसल में एक ऐसा किंगडम था जिसमें इतनी ज्यादा आग थी कि उन लोगों ने कभी भी बारिश को एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, और वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से पानी की एक बूंद भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। लेकिन ये बारिश कुछ अलग थी, क्योंकि इसे कराने वाला दरअसल में वॉरथॉर था, जो वहां पहुंचकर उस क्वीन से कहता है कि वो मुस्फेलहाइम को पानी से बहा देगा, और अगर उस क्वीन में हिम्मत है तो वो आकर वॉरथॉर का जजमेंट फेस करे। लेकिन ये सुनने के बाद मुस्फेलहाइम की क्वीन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो अपनी फायर का यूज करके एक बड़े से ब्लेड को बनाती है और वॉरथॉर पर अटैक करने लगती है, और इस तरह उन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। मुस्फेलहाइम की क्वीन अपनी सोर्ड का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉरथॉर अपने म्योनर से उसे ब्लॉक कर लेता है। वो उससे कहती है कि अपने पैदा होने से लेकर अब तक उसने कई सारे ओशंस को जलाया था, और इतना ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स ऐसे थे जो उसकी फायर से जल रहे थे, और उन सारी चीजों के सामने वॉरथॉर तो कुछ भी नहीं था। और ये कहने के बाद वो उसके मुंह पर फायर से अटैक करती है, और इसी अटैक में घायल होने के बाद वॉलस्टैग के हाथों से वो हैमर छूटकर काफी दूर गिर जाता है, और उसे एक बार फिर से वही चीज रियलाइज होती है कि वो इतना ज्यादा वायलेंस क्यों कर रहा था। लेकिन तब उसे एक बार फिर से उन्हीं बच्चों के चेहरे नजर आते हैं, और वो उस हैमर की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से वो क्वीन आकर उसे पकड़ लेती है, और उससे कहती है कि उसने मुस्फेलहाइम आकर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, और अब वो वहां से जिंदा नहीं जाएगा। और ये सुनने के बाद वॉलस्टैग अपने हाथ को ऊपर उठाकर उस हैमर को अपने पास बुला लेता है, और उसे पकड़कर वो उस क्वीन के मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो क्वीन इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी फायर सोर्ड से वॉलस्टैग को काफी बुरी तरह डैमेज कर देती है, और इसके बाद वो वॉरथॉर को अपने हाथों में उठाकर उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आती है कि वो असली थॉर नहीं है, और वो दोनों पलटकर देखते हैं कि जेन फॉस्टर वहां पर आ पहुंची थी, और उस क्वीन को देखने के बाद वो अपने म्योनर को उसकी तरफ फेंक देती है, जो सीधे जाकर वहां के मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक मारने लगता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर जेन फॉस्टर उस क्वीन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारती है। लेकिन उस घूसे को खाने के बाद वो क्वीन उससे कहती है कि उसके पिता के अलावा आज तक किसी ने उसे छुआ तक नहीं था, और वो चेन फॉस्टर को इसकी सजा देगी।
लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वॉल्स्टैक काफी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है और एक बार फिर से उस हैमर की पावर को समन करके वो वहाँ पर एक भयानक तूफान लाने लगता है और मुस्पेलहाइम में मौजूद एक एक इंसान उसकी चपेट में आने लगता है। और इसी चीज को देखने के बाद जेन फॉस्टर ये डिसाइड करती है कि उसे उस थॉर से बात करनी होगी और वो अपने म्योनर का यूज करके उसे वहाँ से दूर ले जाती है। लेकिन ये देखने के बाद वॉर थॉर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो उससे पूछता है कि आखिरकार जेन फॉस्टर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी वॉर थॉर कर रहा था उससे पूरा का पूरा मुस्पेलहाइम डिस्ट्रॉय हो जाता, और भले ही उसकी क्वीन ने कितने भी पाप किए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुस्पेलहाइम में इनोसेंट लोग नहीं रहते थे। लेकिन वॉल्स्टैग बदले की आग में अंधा हो चुका था और उस हैमर की वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, और अब उसे वॉर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और इसी वजह से वो जेन फॉस्टर से कहता है कि अगर वो उसका साथ नहीं दे सकती तो उसे अपने आप को थॉर नहीं कहना चाहिए, और बाकी लोगों की तरह ही वो भी उसकी दुश्मन है। और ये कहने के बाद वो जेन फॉस्टर पर अटैक करने लगता है। वो जेन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जेन फॉस्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और तुरंत रिकवर करने के बाद वो अपने म्योनर को उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन वॉर थॉर अपने हैमर का यूज करके उसे क्रिकेट बॉल की तरह वहां से दूर मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वॉर थॉर उस पर एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, लेकिन जेन फॉस्टर इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। वो एक बार फिर से अपने म्योनर को वापस बुलाती है, जो वहां पहुंचकर सीधे वॉर थॉर पर अटैक करने लगता है, और इसी वजह से वॉल्स्टैग के हाथों से उसका हैमर एक बार फिर से छूट जाता है, जिसे देखने के बाद जेन फॉस्टर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। वॉल्स्टैग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जेन फॉस्टर ने अपने दोनों हाथों में एक एक म्योनर को पकड़ रखा था, और अब उसके पावर लेवल्स किसी भी थॉर से बहुत ही ज्यादा थे। और ये करने के बाद वो वॉल्स्टैग से कहती है कि वॉर थॉर, तुम्हारा वॉर यहीं खत्म होता है। और इसी के साथ वो उन दोनों हैमर्स को एक दूसरे में दे मारती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है और वॉर थॉर वहां से बहुत दूर जा गिरता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद जेन फॉस्टर उस हैमर को उठाती है और एक बार फिर से अपनी पुरानी जगह यानी कि एस्गार्ड जाने के लिए कहती है, लेकिन वॉल्स्टैग उससे कहता है कि वो म्योनर एक सिंपल म्योनर नहीं था, वो दरअसल में एक वॉर हैमर था, और इसी वजह से वो उसे वील्ड करने वाले को हमेशा ही काफी ज्यादा गुस्से में रखता था, और उसे हमेशा ही किसी से लड़ने की क्रेविंग होती थी। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से उस हैमर को अपने पास बुलाकर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, और वहां से बहुत दूर नए एस्गार्ड पर रोज सोलोमन ओडिनसन को ये सारी कहानी समझा रही थी। वो उसे बताती है कि किस तरह निडाविलर में वॉर थॉर को पहली बार देखने के बाद उसे ये चीज समझ में आई कि वो शख्स दरअसल में वॉल्स्टैग था, और ये सब कुछ वो उस हैमर की वजह से कर रहा था, क्योंकि वो हैमर वॉल्स्टैग के अंदर मौजूद गुस्से को अपने आप ही बाहर निकाल रही थी, और उसे इस वक्त वॉर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो ओडिनसन से कहती है कि अगर वॉल्स्टैग को रोका नहीं गया तो कुछ ही समय में या तो वो इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर लड़ते लड़ते उसकी मौत हो जाएगी। और ये सब कुछ सुनने के बाद ओडिनसन हाइमडाल से वॉल्स्टैग को ढूंढने के लिए कहता है। और इधर वॉर थॉर और जेन फॉस्टर की लड़ाई एक दूसरे लेवल तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो लोग अब लड़ते लड़ते एक दूसरे रेल्म में आ पहुंचे थे, और वहां भी वॉल्स्टैग की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगा था। जेन फॉस्टर अपनी सारी पावर्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों लड़ते जा रहे थे वॉल्स्टैग और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगा था। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से उस पर कोई अटैक करता है, और वो दोनों पलटकर देखते हैं कि ओडिनसन वहां पर आ पहुंचा था, जो वॉर थॉर से कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, और इसके साथ ही साथ वो उसका दोस्त भी है, तो वॉल्स्टैग को अपना हैमर नीचे फेंक देना चाहिए। और तब जेन फॉस्टर को ये चीज पता चलती है कि वॉर थॉर दरअसल में वॉल्स्टैग था, लेकिन वॉल्स्टैग को अपने गुस्से के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और वो ओडिनसन पर भी अटैक करने लगता है। लेकिन ये देखने के बाद जेन फॉस्टर समझ जाती है कि वॉल्स्टैग को रोकने का तरीका दरअसल में क्या था, और वो अपने म्योनर को जमीन पर फेंक कर एक बार फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आती है। वो वॉल्स्टैग के सामने जाकर खड़ी होती है और उससे कहती है कि वो इस चीज को समझ सकती है कि वॉल्स्टैग कितना ज्यादा दर्द और कितना ज्यादा गुस्सा फील कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वॉल्स्टैग चीजों को कर रहा था वो सही तरीका नहीं था। वो उससे कहती है कि वॉल्स्टैग को ये चीज याद करनी होगी कि वो किस तरह का इंसान है और कौन सी चीज उसे इतना ज्यादा दयावान और लवेबल गॉड बनाती है।
उसे याद करना होगा कि वो एक बहुत ही अच्छा पति है, एक बहुत ही अच्छा पिता है और इन सारी चीजों के अलावा वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसका नाम वॉल्स्टैग द वेलियंट है और अब उसके घर आने का वक्त हो चुका था। और जेन फॉस्टर की बात सुनने के बाद वॉल्स्टैग अपने हाथों से उस हैमर को फेंक देता है और एक बार फिर से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। और ये देखते ही ओडिनसन उस हैमर से एक बार फिर से पुराने एस्गार्ड लौटने को कहता है और अगले ही पल वो म्योनर वहां से उड़कर अपने पुराने लोकेशन पे पहुंच जाती है। और इन सारी चीजों के बाद भले ही वॉल्स्टैग का गुस्सा शांत हो गया हो, लेकिन उसके अंदर मौजूद दर्द अभी भी वैसा का वैसा ही था। और वो इस चीज को जानता था कि अगर उसे इस चीज को खत्म करना है तो उसे एक बार फिर से वॉरथोर बनना होगा। लेकिन वहां पर मौजूद सारे के सारे गॉड्स इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि मैलकीत ने उन गॉड्स के लिए एक नया प्लान बनाया था, एक ऐसा प्लान जो उन सारे के सारे गॉड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था, एक ऐसा प्लान जिसका नाम था मैंगोग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और हम देखते हैं कि इस वीडियो पर हम कितने थॉट लाइक्स को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इस यूनिवर्स में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कॉमिकवर्स का पार्ट बन सकते हैं। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप सभी लोग मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए। और हाँ, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस कॉमिक में अब कितने पार्ट बचे हैं। तो अब अगले इशू से हम लोग मैंगोग सागा की शुरुआत करेंगे, जिसकी पावर का अंदाजा आपको अगले वीडियो में लग जाएगा। और ट्रस्ट मी, आप अगले वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे। और इस वीडियो के बाद हम लोग अनवर्दी थॉर की कहानी को 3 पार्ट्स में खत्म कर देंगे। हो सकता है कि इससे एक पार्ट ज्यादा हो या हो सकता है एक पार्ट कम भी हो, लेकिन फिर भी एक राउंड फिगर में हम इस कहानी को 3 और पार्ट्स में खत्म कर देंगे। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आप सभी को वॉर थॉर सीरीज कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।